नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। पीएम मोदी यानी देश के नेता, जब भी बात पीएम की सुरक्षा की आती है मामला संवेदनशील हो जाता है। इन दिनों पीएम मोदी को लगातार ऐसे अलर्ट मिल रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने देश के कई हिस्सों से कुछ लोगों को पीएम के खिलाफ साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसी से पता चला है कि पीएम के खिलाफ छोटी से छोटी और कितनी ही खुफिया साजिश क्यों ना हो, साजिशकर्ता बच नहीं सकते। आज हम आपको पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। वैसे आप सबको ये तो पता ही होगा कि पीएम की सुरक्षा एसपीजी के हवाले होती है। प्रधानमंत्री के काफिले में तकरीबन एक दर्जन अलग अलग तरह की गाड़ियां होती हैं। इसमें दो बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज सेडान, 6 बीएमडब्ल्यू X3 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस शामिल होती है। साथ ही एक टाटा सफारी जैमर भी होता है। पीएम के काफिले की इन गाड़ियों को एसपीजी ही मैनेज करती है। ये गाड़ियां घातक से घातक लैंडमाइंस ब्लास्ट से प्रोटेक्टेड होती हैं। इसे आधुनिक कालाश्निकोव बुलेट भी भेद नहीं सकता। ये गाड़ियां फ्लैट टायर पर कई किलोमीटर तक चल सकती हैं। इसमें एडवांस हीट सेंसर भी लगे होते हैं जो मिसाइल और बम से काफिले की हिफाजत करते हैं। इन गाड़ियों की फ्यूल टैंक ऐसी बनाई गई होती है कि वो किसी हमले में ब्लास्ट नहीं कर सकती। इसका केबिन एक गैस प्रूफ चेंबर की तरह होता है जो सुनिश्चित करता है कि किसी भी गैस अटैक में अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके। इन गाड़ियों पर किसी केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी ऑफिशियल मूवमेंट के दौरान इन गाड़ियों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है। ये तो हुई पीएम के काफिले में शामिल गाड़ियां कैसे पीएम की हिफाजत करती हैं। अब बात पीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों की, जिनकी नजर हर वक्त 360 डिग्री पर घूमती रहती है। आंखों में काला चश्मा कोई दुकान में मिलने वाला नहीं होता। इन कमांडोज के पैरों में जो बूट आप देखते हैं वो भी कोई आम बूट नहीं है। यहाँ तक कि उनके बदन पर चढ़ा लिबास, ब्लेजर, शर्ट और नी गार्ड बाजार में मिलने वाले सामान नहीं होते। तो चलिए अब जरा इनके बारे में जानते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीएम मोदी को वाटर टाइट सिक्योरिटी दी जाती है, यानी ऐसी सुरक्षा जिसे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तस्वीर पीएम के सुरक्षा में तैनात पहले घेरे के जवानों की है। हमेशा पीएम के साथ चलने वाले इन जवानों की आंखों पर खास तरह का चश्मा होता है। उनके कान में एक ईयर प्लग होता है जिससे वो कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पैरों में जंगी जूते होते हैं जो किसी भी कंडीशन में फिसल नहीं सकते। इनके हाथों में हमेशा होता है P90 पर्सनल डिफेंस गन। पीएम की किसी रैली में आप इन जवानों को दो या चार की संख्या में उनके ठीक पीछे देख सकते हैं। पहले घेरे में ही ऐसे एसपीजी के ऐसे जवान तैनात मिलते हैं। इनके कंधों के थोड़ा नीचे कम्युनिकेशन डिवाइस लगा होता है और पूरी बॉडी पर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। इनके घुटनों की हिफाजत करता एक बुलेट प्रूफ नी गार्ड, एल्बो की हिफाजत करती है बुलेट प्रूफ पैड। इनके हाथों में हमेशा तैयार होता है F2000 असॉल्ट राइफल। ये जवान ग्लॉक 17 पिस्टल से भी लैस होते हैं। हर वक्त पीएम मोदी के इर्द गिर्द हजार एसपीजी जवानों का घेरा होता है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री होते थे तो उनके चारों तरफ 600 जवानों का घेरा होता था। पीएम की सुरक्षा में तैनात पहला घेरा एसपीजी का होता है। दूसरा घेरा भी हाई ट्रेंड एसपीजी गार्ड का ही होता है। तीसरा घेरा एनएसजी कमांडोज का होता है। चौथा घेरा अर्धसैनिक बलों और स्टेट पुलिस का होता है। जिस भी राज्य में पीएम का दौरा होता है उसमें इस राज्य के पुलिस वाले शामिल होते हैं।